तो अभी फ्रेंड्स हम लोग पहले आ गए हैं और स्टेशन गाड़ी अभी लेट है ना सर, गाड़ी लेट है और अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पता है आस पास तो वहीं से जाएंगे ना, यहाँ से तो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह के बज गए हैं 6, तो सबसे पहले आप लोगों को प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने के लिए, तो मैं, भैया, भाभी और भैया के तीनों बच्चे और मेरे चाचा जी का बेटा यानी मेरा भाई, और हम सभी लोग मिल के जा रहे हैं हरिद्वार घूमने के लिए। तो बस हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, ट्रेन हमारी कुछ लेट थी पर फाइनली अब हम लोग बैठ चुके हैं। और ये एसी कोच है तो जो पुरानी चादर थी ना वो सब ये हटा रहे हैं और हमें न्यू चादर दे रहे हैं और तकिया चादर जो भी मतलब देते हैं। और उसके बाद में आप देखिए ट्रेन हमारी चल दी है और बहुत ही मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। आगे ब्लॉग बहुत ही अच्छे अच्छे आपको मिलने वाले हैं और देखिए सभी बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं। और अब उसके बाद में थोड़ी देर बाद हम लोगों ने बातचीत करी बैठे और उसके बाद फिर भाभी यहाँ पर निकालने लगी हैं नाश्ता कि सब लोग नाश्ता कर लो, उसके बाद फिर बैठ के आराम से बातें करेंगे। तो बस फाइनली नाश्ता सब लोगों ने कर लिया है, घर से ही लाई थी भाभी, घर का ही, क्योंकि ट्रेन का ना चाहे जितना अच्छा हो वो पसंद नहीं आता है, घर की बात ही अलग होती है। तो घर के जो मतलब ऐसी चीज़ें लाई थी भाभी, अंकुरित अनाज वगैरह, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी था। और उसके बाद हम लोग बातचीत बहुत देर तक करते रहे, फिर फाइनली 4-5 घंटे के बाद हमारी मंजिल आ गई है यानी कि हम लोग हरिद्वार पहुँच गए हैं। और यहाँ देखिए सब लोग, अब फाइनली हम लोग हरिद्वार उतर चुके हैं और यहाँ से अब हम लोग लेंगे, भैया करेंगे गाड़ी बुक, उसके बाद हम लोग जाएंगे ऋषिकेश। तो ये देखिए ये हरिद्वार स्टेशन का नज़ारा है, कुछ इस तरह मैं आप लोगों को दिखाती हूँ चारों तरफ से, बहुत ही प्यारा है। कहते हैं ना देवों की नगरी, तो ये सचमुच बहुत ही प्यारा है हरिद्वार और ऋषिकेश। तो ये हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और जैसे ही हम लोग स्टेशन से बाहर निकले ना, यहाँ पे शंकर भगवान की प्रतिमा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिली हमें। फिर हम लोगों ने यहाँ से यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया, मैंने, भाभी ने, बच्चों ने, और भैया उधर गाड़ी बुक करने के लिए चले गए। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे देखिए शंकर भगवान कितनी बड़ी प्रतिमा है ये, और यहाँ पे ये हरिद्वार है, ये रेलवे स्टेशन का मैंने फ्रंट का सीन ले लिया। और फ्रेंड्स अब हम लोग उतर आए हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे और वहाँ पे सब लोग, भैया लोग वहाँ पे, ये देखिए तीनों लोग हेलो बोलो थे। और ये देखिए फ्रेंड्स शंकर भगवान की कितनी बड़ी प्रतिमा यहाँ पर भी है। तो बस यहीं पर हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया और ये मेन मतलब मेन जो द्वार होता है ना हरिद्वार का, वो स्टेशन का बाहर का द्वार वो है। और भैया देखिए यहाँ पे गाड़ी देख रहे हैं बुक करने के लिए और तब तक हम लोग फ़ोटो शूट कर लेते हैं। और ये स्टेशन के पास ही है हरिद्वार में होटल लीरोय, और बहुत बड़ा होटल है ये। और उसके बाद जब तक हम लोग फ़ोटो वगैरह शूट कर रहे थे, इधर भैया ने गाड़ी बुक कर ली और हम सब लोग बैठ गए गाड़ी पे। तो सभी बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे और बहुत आनंद आ रहा था सभी लोगों को सफ़र में। तो बस ये हरिद्वार की खूबसूरती को देखते हुए हम लोग चल दिए ऋषिकेश की तरफ, क्योंकि भैया ने वहीं होटल बुक किया हुआ था, मतलब होटल में रूम बुक किया हुआ था भैया ने, तो पहले हम लोग ऋषिकेश जाएंगे। तो ये देखिए हरिद्वार की खूबसूरत, ये थोड़ा थोड़ा मैंने शूट कर लिया है। ये देखिए ये जो सड़कों के किनारे था ना, ये बहुत ही प्यारा हरिद्वार है। और ये सब चीज़ मैंने थोड़ा थोड़ा शूट कर लिया आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ इसलिए। तो देखिए फ्रेंड्स और इन्जॉय कीजिए हरिद्वार की खूबसूरती को। बैल देखो यहाँ कैसे लगते हैं।
चाहिए। क्या कह रहा है बहू? तो फ्रेंड्स रास्ते में अच्छा तो बहुत लगा सफ़र में, लेकिन जाम बहुत ज़्यादा मिला तो इसलिए थोड़ा लेट हो गए थे और फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग यहाँ पर ऋषिकेश में। और ये देखिए अब अंदर जहाँ पे भैया ने रूम बुक किया है इस होटल को, तो चलिए चलते हैं ऊपर और फिर आप लोगों को रूम दिखाती हूँ। और वो रूम थर्ड फ्लोर पे है ना, तो इसलिए चलिए चलते हैं लिफ्ट से सभी लोग। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ गए हैं रूम में और ये देखिए ये रूम कुछ इस तरह का है। और देखिए ये है बालकनी का व्यू कितना प्यारा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीचे गंगा जी बह रही हैं। और फ्रेंड्स अब सब लोग आ गए हैं रूम में और सब लोगों ने हाथ मुंह धोके फ्रेश हो गए हैं सब लोग, अब जा रहे हैं लंच करने के लिए। Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell all that. Oh, friends, देखे यहाँ पे कितना प्यारा सीन है। और ये पीछे हमारे गंगा जी बह रही हैं। और अभी जा रहे हैं सब लोग लंच करने के लिए। तो देखिए हम लोग गंगा जी के किनारे से ही ऐसे निकल के जा रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत सीन है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गंगा जी लह हरहराती हुई गंगा जी, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और सब लोग देखिए नहा रहे हैं। तो अभी हम लोग शाम को भी आएंगे, जब संध्या आरती होगी गंगा जी की तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए दूसरी साइड का सीन है ये, और ये आयुर्वेद की शॉप है और यहाँ पर ये होती है गंगा आरती। ये देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है। और लंच करने के बाद में हम लोग आ गए हैं गंगा जी के घाट पे और यहाँ पे देखिए इतना सुंदर नज़ारा है फ्रेंड्स। और गंगा जी की लहरों की जो आवाज़ थी ना, ध्वनि जो थी, उससे तो एकदम मन मुग्ध, जो कहते हैं ना मन मुग्ध हो गया है। मतलब इतना सुंदर इतना प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे ये भैया भाभी और मैं चारों तरफ से शूट कर रही हूँ, तो आप लोग भी गंगा जी की लहरों का आनंद लीजिए। और अब हम लोग आ गए हैं रूम पे, तो देखिए ये बालकनी का सीन है और यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कहाँ चलने का प्लान है अभी? तो नदी के वो वहाँ दूर किसी किनारे पे ये घर बन रहा है, बीच में अगर ये अभी ना बन रहा होता ना तो बहुत लुक की वजह से। आप कहाँ जाने का प्रोग्राम है नमन? हैं अभी तो हम लोग ऐसे घाट के चार तरफ जो भी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करेंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी हम लोग आराम करके और उठ गए हैं और अब जा रहे हैं दोबारा घूमने के लिए। और यहाँ का नज़ारा आपको दिखाऊं कितना, ये देखिए ये पहाड़ यहाँ पे
और ये सृष्टि हमारी भी कुछ शूट कर रही हैं। और ये देखिए यहाँ से ये जो गंगा जी, देखो ये है, ये झूला है, कौन सा झूला है बुआ? और फ्रेंड्स ये जो सामने दिख रहा है ये जानकी झूला है, जानकी सेतु झूला। तो यहाँ पर भी जाएंगे हम लोग, अगले दिन जाएंगे या आज ही शाम को जाएंगे, देखते हैं। तो बहुत ही प्यारा यहाँ से नज़ारा है गंगा जी का, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हर हर आती हुई गंगा जी, और बालकनी में बैठे हैं भैया। भैया कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है ना। और हाँ तो भैया दोबारा कहाँ चल रहे हैं हम लोग घूमने के लिए? पहले गंगा जी किनारे गंगा आरती देखेंगे। हाँ, गंगा आरती देखने के बाद हाँ फिर चलेंगे ऋषिकेश बाजार देखेंगे, कुछ वहाँ स्ट्रीट फूड कुछ खाएंगे, कुछ चाय साय पियेंगे, कुछ और नाश्ता वास्ता लेंगे, कुछ रबड़ी मलाई कुछ खाएंगे पियेंगे और दो चार चीज़ें घूमेंगे। आज ही रहेगा गंगा जी, गंगा माँ के शरण में बैठेंगे, गंगा माँ के चरणों में बैठेंगे आज। तो फ्रेंड्स चल रहे हैं हम लोग अब शाम को दूसरी मीटिंग, हम निकल रहे हैं घूमने के लिए और बहुत ही आनंद आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और पूरा ब्लॉग देखिए, बहुत ही आनंद आने वाला है आगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर आपसे वहीं पर। देखिए भाभी भी रेडी हो गई हैं, सृष्टि भी, नमन बाबू। कुर्ती चाहे अंदर रख देती, आप लोग वहां से जाओ, जाओ चल रहा तो चल टेरिस पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का टेरिस कैसा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये पहाड़ ही पहाड़ है चारों तरफ। मेरे को बुआ मैं जूम करके दिखा दूँ पहले, एकदम अमेजिंग लुक। और यहाँ पर सुनिए गंगा जी की लहरों की ध्वनि कितनी प्यारी लग रही है, सुनिए आप लोग भी एंजॉय कीजिए। नहीं वो गुरुकुल में वो छोटी छोटी रखी थी, उसने गले में एक डप्पी पहन रखी थी, ऐसे रस्सी बांध के घोड़े सवार ना। हाँ देखा, जूम करके लो। इसको ऐसे मत करो, ऐसे टच करो ना तो अपने आप जूम हो जाएगा। बताओ आवाज सुनाओ इसकी। ये तो और बढ़िया है, एकदम पूरा। और फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं, गंगा आरती होगी और गंगा जी की आरती मैं आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में शेयर करूंगी, नहीं तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। और चलिए फ्रेंड्स इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। यदि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें और खुशियाँ बांटें और इन्जॉय कीजिए ये खूबसूरत नज़ारे को।